हाय गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। सो गाइज, आज लेके आई हूँ मैं चीज़ बॉल रेसिपी। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो गाइज, मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 आलू उबाल के लिए, ये अब मैं कद्दूकस करके ले रही हूँ। यहाँ पे मैं खिसनी के साय से अच्छे से कद्दूकस करके लिया है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से भी कम रेड चिली पाउडर डाली है इसमें। फिर एक छोटा प्याज डाला है, बहुत छोटा छोटा कट किया है मैंने। फिर उसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। फिर ये वाला मिक्सर हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, आप चाहे तो चम्मच से कर सकते हैं, मैंने हाथ से किया है। ये हो गया मेरा अच्छे से मिक्स करके। अब चलेंगे घोल के तरफ। यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले है, 2 चम्मच मैदा ले लूँगी मैं, ध्यान रहे दोनों 2-2 चम्मच लेना है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोल बनवा के लूंगी मैं इसका, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, मीडियम बना दूंगी। जो वाले आलू के बॉल रखे उसे अच्छे से कोटिंग हो जाए उस तरीके से। ये देखो, ऐसे ज्यादा पतला हुआ तो कोटिंग नहीं कर पाएगा। अभी आलू के बॉल बना के लूंगी मैं छोटे छोटे सब। सब बॉल बना के हो चुके हैं मुझे, मैं अब उसमें डालूंगी चीज। चीज टप कर रही हूँ मैं इसमें। ऑयल हाथ से लगा के अच्छे से गोल गोल करना है चीज डालने के बाद, क्योंकि वो ऑयल में फूट ना जाए। और अब ये जो घोल बनाए इसमें पहले से डालूंगी मैं अच्छे से। फिर वो ब्रेड का क्रंच बनाए इसमें डालूंगी और तल लूंगी। अच्छे से कोटिंग करनी है इसे, आप चाहे तो डबल कोट कर सकते हैं, तलने में आसानी रहेगी डबल कोट करने से। अच्छे से फ्राई करना है दोनों तरफ से। ये हो गए हमारे चीज बॉल रेडी। सो गाइज, कैसे रहे चीज बॉल मुझे जरूर बताएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।